हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में। नाबार्ड 2024 का फाइनली हम कह सकते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन भी हो चुका है। मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा आसान, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडरेट इस टाइप से गया, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी एग्जामिनेशन हो गया है, इसके बाद आपको अपनी सारी टेंशन छोड़ देनी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पेपर पे एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के थे, बाकी डिटेल क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर हम आपके लिए बाद में सेपरेटली आएंगे। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पेपर हुआ तो नाबार्ड को अब आपने भूल जाना है फिलहाल, और अपने दूसरे एग्जामिनेशन जो भी आपके चल रहे, जो भी दूसरी चीजें हैं, उन पे फोकस करना है, और फिर जैसे रिजल्ट आएगा, और साथ में अभी भी आप कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रीम का, फिर हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर स्ट्रीम का, फिर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रीम का। अभी तो हम ये तीन ही डिस्कस करेंगे, बाकी जैसे और भी क्वेश्चंस मेरे पास कुछ कुछ आए हैं तो फिर हम वो बाद में कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, आपने जिस भी स्ट्रीम से दिया है तो जो हमारा नाबार्ड का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें अपने क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, सो देट की हमें पता चल सके कि एग्जामिनेशन कैसा था। ओके, जर्नलिज्म स्ट्रीम की मैं बात करूँ तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, वो इस बार मतलब लास्ट टाइम की तरह बहुत स्ट्रेट नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था। अभी उसके जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आंसर है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव की बात अगर हम करें तो वो रिलेटिवली हम कह सकते हैं मॉडरेट था, या फिर ऐसे क्वेश्चन थे जो हो सकते थे, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं था कि जो आपने सुना भी नहीं, कि कभी देखा भी नहीं, या फिर हो ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, तो मॉडरेट हम कह सकते हैं या फिर इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपने कैसे उसको प्रेजेंट किया। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट नो डाउट डिफिकल्ट रहा है, बाकी जो स्ट्रीम्स में जिनसे जिन भी स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन हुआ वहां पे इतना ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट नहीं था जितना इस बार जर्नलिस्ट में डिफिकल्ट रहा। तो जर्नलिस्ट में जब एग्जामिनेशन डिफिकल्ट रहता है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम रहेगी, बट अगेन ध्यान किस पे रखना था आपको, एक्यूरेसी पे। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, जो हुआ सो हुआ, आपको ये थोड़ा सा देखना है कि अगर आपने एक्यूरेसी पे फोकस किया है और अपने आंसर्स अच्छे से लिखे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, 15 मार्कर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कंपलसरी क्वेश्चन था, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन था, वैल्यू एडिशन एंड स्टोरेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन था 15 मार्कर में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे से किया होगा, हम लोगों ने अपने जितने भी ये, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताऊँ, जितने भी ये क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डेली डिस्क्रिप्टिव में और उसके साथ साथ जो हमारे मॉक टेस्ट है वहां पे कवर्ड थे। आप देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, जितने भी बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, डेली डिस्क्रिप्टिव देखा है, तो उन्होंने ये जरूर क्वेश्चन देखा होगा। देन कल ही मैंने पोस्ट किया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड, और आज ही देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज रिलेटेड क्वेश्चन वॉज देयर। ये 15 मार्कर क्वेश्चन थे नाबार्ड जर्नलिस्ट में, तो क्वेश्चन जनरल टाइप के थे, ऐसा नहीं था कि कोई कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ओवरऑल ये है कि इसमें भी प्रेजेंटेशन और कितना आपने डेटा या स्कीम्स कितनी मेंशन की है वो सारा कुछ फोकस करेगा, क्योंकि अगेन 2014 से लेकर 2024 तक बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स थे। आई होप कि आपने वो सभी या फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट किए होंगे या उसमें मेंशन किए होंगे। 10 मार्क के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी था, अगेन उसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम और पीएम स्वामित्व स्कीम मेंशन करनी थी, है ना। पीएम स्वामित्व स्कीम इज द, मैं कह सकता हूँ, फेवरेट स्कीम, हालांकि पीएम विश्वकर्मा भी लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन लास्ट टाइम भी थे ऑब्जेक्टिव में, इस बार डिस्क्रिप्टिव में थे। देन अगेन, हाउ इज स्टोरेज फैसिलिटी एनहांसिंग इनकम इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो रिलेशन टू द प्रोडक्टिविटी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था ये आप मुझे बताएगा। तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन थे, अगेन कहने का मतलब क्या है, इससे जो लर्निंग है हमारी, क्वेश्चन जनरल टाइप थे, बहुत डिफिकल्ट ये वाले नहीं थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से थे और जो ऑब्जेक्टिव में थे। ओके, सो ये जनरल टाइप थे, इसमें भी सारा कुछ डिपेंड वो करता है कि आपने कैसे प्रेजेंट किया है, कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि जिसका आंसर बेटर या अच्छा होगा, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। ओके, देन अगर हम बात करें नाबार्ड एग्रीकल्चर की, जो रिलेटिवली ईजी था एज कम्पेयर टू एआरडी एंड ईएसआई, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कंट्री, ये क्वेश्चन था। देन डिफाइंड द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज क्रॉप इंश्योरेंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर। तो आप देखेंगे कि जो 15 मार्क का क्वेश्चन है नाबार्ड एग्रीकल्चर के भी बहुत जनरलिस्ट टाइप ही थे, कोई ऐसा बहुत इनडेप्थ एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा है, बल्कि हम कह सकते हैं डायनेमिक एग्रीकल्चर टाइप का ही क्वेश्चन पूछा है। 10 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा था व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर फार्मिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ वाटरशेड, एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड, यहाँ पे पूछा था। सिमिलरली जो लास्ट टाइम जर्नलिस्ट स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने फोकस भी किया था, व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, व्हाट इज द रोल ऑफ केवीके इन एक्सटेंशन एंड हाउ एक्सटेंशन हेल्पिंग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन 10 मार्कर में पूछा गया। ओके, सो ये क्वेश्चन 10 मार्कर में पूछे गए थे, अगेन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे, अगेन डिपेंड करता है आने के बावजूद कि आपने अपना क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट किया। ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं।
तो यहाँ पे अब इनको डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। सीड वैलिडिटी से रिलेटेड अरेंजमेंट ऑफ एलोवेरा को की लीफ को हम क्या कहते हैं, शुगर कंटेंट लीच में कितना होता है, मोनोकल्चर की डेफिनेशन दी थी, कैम रिलेटेड क्वेश्चन था, वुडी प्लांट बट नॉट द ट्रीज टाइप के क्वेश्चन थे। 2 मार्क का क्वेश्चन में हम देखेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी पे पैराग्राफ था, फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड पैराग्राफ था, वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड पैराग्राफ था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कमांड एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड पैराग्राफ था। और हद तक अगर हम ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कहेंगे तो ये एग्रीकल्चर का रिलेटेड था जैसा 2021 में हुआ था, तो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए उतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बट अगेन कट ऑफ फिर यहाँ पे हाई जाती है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 15 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे थे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन रूरल इंडिया, इनकम इक्वालिटी इन इट्स रीजन इन इंडिया क्या उसके रीजन है, लुईस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पूछी गई थी। 10 मार्कर में मेजर्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, रॉस्टोज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट में पूछा गया था। आपने जिस भी स्ट्रीम से एग्जामिनेशन दिया है आप शेयर कीजिएगा क्वेश्चंस क्या आए थे। एक चीज मैं सभी स्टूडेंट के लिए कहूंगा दोस्तों, डेफिनेटली इसके साथ में आपके और एग्जामिनेशंस भी होंगे, जर्नलिस्ट के लिए नहीं है तो आप UIICL को भी ट्राई कीजिएगा, सारे एग्जामिनेशंस को फोकस कीजिए सो दैट कि इस पे बहुत ज्यादा फोकस ना हो सके, है ना, क्योंकि आपने जो करना था अब आपने कर दिया। अब ये सोच के कि कितने कट ऑफ जाएगी, कितने मार्क्स आएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और कट ऑफ कितनी जाने वाली है इसको सोचना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोई बता नहीं सकता। खाली वो ना यूट्यूब पे वीडियो बनाने में और वो थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना क्लिक बेट, वो होना आसान होता है, बट अगेन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपना फोकस किस पे करना, आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज पे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा है ना तो बस फिर इंटरव्यू पे लग जाना है। सो दोस्तों ये था आज का एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जितने भी स्ट्रीम्स की हमने बात करी है, उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो हमने आपको किए थे। स्टोरेज फैसिलिटी वाला कल ही मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप्स में, आप देख सकते हैं वहां से क्वेश्चन था, सिमिलरली डेफिनेटली जिसने पढ़ा होगा उसको उसको उसके लिए एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा, एंड आई होप कि सभी पढ़ के गए होंगे क्योंकि कंपटीशन ही ऐसा है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, आपका दिन शुभ हो।